यार एक तो इन जैसे लोगों की मदद करो और ऊपर से इनके थप्पड़ भी खाओ। यहाँ पे लड़की फोन में इतना बिजी हो जाती है इसे अपने बच्चे का ध्यान भी नहीं रहता। सीढ़ियों से गिरने ही वाला होता है। तभी एंड टाइम पे सफाई वाला इसके बच्चे को बचा लेता है। बेचारा लड़का देखता है कि कहीं इसके बच्चे को चोट तो नहीं लग गई। तभी जब वो लड़की ये सब देखती है उसे लगता है कि ये मेरे बच्चे को चुरा रहा है। खामा कहीं उसे बुरा भला कहने लगती है। तभी वहाँ पर एक और लड़की आकर पूछती है मैडम क्या हो गया। ऐसा सुनकर वो लड़की उसे बोलती है मैडम देखो ये भिखमंगा मेरे बच्चे को चुरा रहा था। ऐसा सुनते ही वो लड़की उसमें कस के एक थप्पड़ मार देती है। वो बेचारा गरीब लड़का उनसे बोलता है आप लोग मेरी बात का विश्वास क्यों नहीं करते, मैंने तो इसके बच्चे को बचाया है। ऐसे में तभी वहाँ एक लड़का और आ जाता है। वो भी ये बात सुनकर बेचारे गरीब भले आदमी को मारने लगता है। वो बेचारा दुखी होकर पुलिस के पास कॉल करने लगता है। तभी वो लोग गुस्से में आकर उसका फोन भी तोड़ देते हैं। ये सब देखकर वो लड़का बेचारा दुखी होकर रोने लगता है। तभी वहाँ पुलिस भी आ जाती है। पुलिस भी उस बेचारे आदमी का विश्वास नहीं करती। वो सभी लोग मिलकर उस बेचारे को मारने लगते हैं और उसे थाने ले जाने लगते हैं। आगे कुछ ऐसा हुआ इसे देखकर आप लोग भी हैरान हो जाओगे। बट इससे पहले आप भी अपनी नटखट बहन से प्यार करते हो हाँ तो प्लीज से इस वीडियो को एक लाइक कर दो। जब वो उसे थाने ले जा रहे थे एक लड़के की नजर सीसीटीवी पर पड़ जाती है। कैमरा चेक करने के बाद उन्हें सारी सच्चाई पता चल जाती है। लोगों को बहुत ही ज्यादा पछतावा होता है। उससे हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं।